चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन देवी मंदिरों और शक्तिपीठों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा। प्रयागराज के अलोपशंकरी मंदिर माँ के दर्शन के लिए भोर पहर से ही भक्तों की लाइन मंदिर प्रांगण में लग चुकी है। मंदिरों में आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसका भी ख्याल स्थानीय प्रशासन की ओर से किया गया है। मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन आदिशक्ति के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो गया है, जो 17 अप्रैल तक रहेगा। माँ के प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा होती है। इसी दिन महिलाएं घरों में घट स्थापना भी करती है। अलोकशंकरी मंदिर में सुबह के वक्त मंदिर प्रबंधन की ओर से माँ अलोकशंकरी की मंगल आरती के बाद भक्तों के लिए पट खोल दिए गए। घर की महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे अपने परिवार के साथ जगत जननी आदिशक्ति के प्रथम अवतार माँ शैलपुत्री के दर्शन को पहुंच रहे। भक्तों की संख्या को देखते हुए मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां पहले से कर ली गई थी। मंदिर में दर्शन और परिसर के बाहर लगने वाले मेले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सीसीटीवी कैमरे से मंदिर परिसर और मंदिरों के प्रांगण पर नजर रखी जा रही है। मंदिरों में दर्शन को आने वाले भक्तों के लिए महिला और पुरुष के लिए अलग अलग लाइन बनाई गई है, ताकि सभी भक्त लाइन में लगकर बारी बारी से माँ के दर्शन कर सके। गर्मी को देखते हुए पानी और ठहराव की व्यवस्था की गई है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ के दर्शन के लिए भोर पहर से ही भक्तों की लाइन मंदिर प्रांगण में लग चुकी है। हाथों में नारियल, लाल चुनरी और प्रसाद लेकर भक्त लाइन में खड़े होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच प्रेम से बोलो जय माता दी के जयकारे से मंदिर प्रांगण गूंज उठा। हम लोग यहाँ पे दर्शन करेंगे, माता से मन्नत करेंगे कि हमारा जो भी एग्जाम है बहुत ही अच्छा जाए। मैं बी ए सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो मैं यहाँ पे अपने लिए मन्नत करने आई। मैंने यही मांगा कि मैं अपनी लाइफ में सफल हो पाऊँ, जो मेरे साथ ही संबंधित सब लोग अपनी लाइफ में खुश रहे और सबको सफलता मिले। हम प्रयागराज के अलोपी मंदिर में माता रानी का दर्शन करने आए हैं। हम चाहते हैं कि माता रानी हमारे पूरे भारत वर्ष में खुशी और प्यार का माहौल बनाए, और हम ये चाहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी खुशी आए, हम